वसीम साहब नमस्कार, बहुत शुक्रिया आज फिर से समय देने के लिए। कल जैसे आप बता रहे थे कि बाज़ार को थोड़ा दम तो रखने दीजिए, थोड़ा रुके तो सही, बाज़ार फिर से ठीक होगा। सर वो जो पहले लक्षण जिसे कहते हैं ठीक होने के, वो आपको आते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़ा अभी और दम रखना होगा, थोड़ा और वेट करना होगा? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी। आपको प्रियंका तो बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका को थोड़ी शांति होनी चाहिए कि आज से तो चालू हो जाएगा। कल दोपहर को ही देख लिया, जो बड़ी चिंता थी कि रिलायंस आईसीआईसीआई कुछ नहीं कर रहे, अब चलेंगे कैसे? नहीं चलेंगे, रिलायंस अब 3,000 का हो गया अगर आप जियो की वैल्यूएशन दो। और आपने गुजरात समिट देखा ही है, अभी तो उनका रिलायंस न्यू एनर्जी और एनर्जी बिजनेस, गीगावाट और सब कुछ आप मिलाएं तो 2-2, 2.5-2.5 लाख का कैपिटल कैपेक्स अगर कह रहे हैं, 2-2, 2.5 लाख करोड़ों का, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम मारुति टू एलन मित्तल टू अडानी टू मुकेश अंबानी जी, तो फिर कैसे आप छोड़ सकते हैं? और दूसरी बात डिम्पी जी, प्रियंका कल निकली है जीटा 34-ईयर हाई, 2 दिन में 2,000 पॉइंट की तेजी आई है। और ये मार्केट ग्लोबली उस तरह की नहीं है जो छोड़ना चाहती है, तो मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है। और अच्छा है, कंसोलिडेशन हो गई एनबीएफसी में, और थोड़ी सी कंसोलिडेशन रहेगी। लेकिन लार्ज कैप्स, बैंक निफ्टी 50,000, निफ्टी 22,000, और वो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, आपको अच्छे लगते हैं बुरे? अब इंडेक्स पे ही चाल रखिए, क्योंकि इंडेक्स इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ मूव आफ्टर लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। आप कैसे सब चीज़ों पे नज़र रख लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है ऑब्वियसली गांधीनगर में, आप बैठे हैं दिल्ली में, और हम बाइट्स जो है मुकेश भाई की सेकेंड हाफ में ग्रीन बिजनेस कमीशन हो जाएंगे टीवी पे चला रहे हैं, तब भी आप सब नज़र रख लेते हैं, एकदम पैनी नज़र। बताइए कौन से स्टॉक्स पर नज़र आज आपकी? तो आज तो दोनों अडानी भाई के शेयर हैं सर, और यही 1 साल पहले था कि ये शेयरों के क्या भाव थे। देखिए हाउ राजीव जैन इज लाफिंग इज वे टू द बैंक। इसको कहते हैं ग्रीड एंड फियर। अजय जी, जब फियर में खरीद सको, बैड न्यूज में तो भाव आपके साथ है। तो गुजराती में कहावत है सर, भाव भगवान छे, भाव भगवान है। तो अडानी पोर्ट लीजिए 1200 पे, 1170 का स्टॉप लॉस, 1290 का टारगेट, न्यू हाई इसमें आया ही आया। और उसके लिए कारण भी है, द पोर्ट बिजनेस वॉल्यूम्स सबसे हाईएस्ट है इन द लास्ट 34 क्वार्टर, और आप देख ही रहे हैं बिकॉज ऑफ रेड सी एंड अदर, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स यहाँ से बढ़ना ही है। दूसरा अंबुजा सीमेंट, ये मेरा फेवरेट शेयर है, दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है। हम वन ऑफ द लकी वंस थे जिन्होंने फियर में खरीदा था अराउंड द बजट ऑफ लास्ट ईयर। अंबुजा मुझे लगता है इज द लोएस्ट कॉस्ट यू नो सीमेंट प्लेयर, और उसके पास जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट का है थ्रू द सी, उसको डबल बेनिफिट है नाउ विद द पोर्ट। तो 560 का टारगेट है, 516-502 का स्टॉप लॉस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर मौका दे रहा है डीसीपी बैंक, 5-ईयर ब्रेकआउट है, द पेरेंट हैज इन्फ्यूज्ड कैपिटल एट अ प्रीमियम। और आज आप एनबीएफसी की रेटिंग कर रहे हैं तो यू हैव अ बैंक विच इज कॉस्ट ऑफ लो कैपिटल लाइबिलिटी फ्रेंचाइज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और वो सारे बिजनेसेस जो एनबीएफसी करता है वो डीसीबी बैंक के पास है, फ्रॉम टू व्हीलर ऑटो टू एग्री टू गोल्ड। ये शेयर री रेट होके 185 जाएगा इस साल में 250 रुपए, तो ये मौका 150 में लेने का कीजिए, 145 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉक में बन जाइए। और राइट, ठीक है, डीसीबी बैंक पे फिर से आप एक कन्विक्शन बताते हुए, ये चला है लेकिन अभी और बड़ी चाल बाकी है, और साथ ही अडानी पोर्ट्स और अंबुजा। वसीम साहब ये तो वही बात हो गई जो आप काफ़ी टाइम से कहते आए हैं कि छोटे शहरों में बड़ा पैसा है, छोटे शहर छोटे मोटे फॉल से परेशान नहीं होते, पैसा लगा रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल है। देखिए एचडीएफसी एमसी भी आज अपने कॉल में यही बोली है। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको डिम्पी और प्रियंका, बिल्कुल फॉरगेट अबाउट बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली, ये मेट्रोस तो सैचुरेटेड है, रियल मनी छोटे शहरों से है। 1 घंटे के सेशन लखनऊ में 8 करोड़ का हमारे को एएमसी मिला, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको अंदाजा ही नहीं। यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सेविंग और ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान बिकता है मेट्रोज में। जो जो छोटे शहर हैं वहां बरकत भी है, पैसा भी है, और वो आपको ट्रस्ट करते हैं। द ट्रस्ट इज वॉट वॉज लैकिंग, और अब आपको समझ आ गया कि सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे सोना है, फिक्स्ड इनकम है, रियल इस्टेट है, सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट एक हर एक के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और यही ये इसका मतलब ये नहीं कि रोज रिटर्न आएंगे, लेकिन एक एसेट क्लास जो बन रही है उसका कोई यू नो कोई मुकाबला नहीं है।
और इसलिए ये इक्विटी कल्ट अजय जी बहुत बहुत साल अभी चलने वाला है। रिटेल इन्वेस्टरशिप जो है वो बैकबोन है इस देश का और आगे जाते हुए इस शेयर मार्केट और हमारी ग्रोथ का। बिल्कुल एब्सोल्युटली संजीव जी, गुड मॉर्निंग। और यही बड़ी स्टोरी है जो इंडियन मार्केट्स को, डोमेस्टिक मार्केट को इतना अट्रैक्टिव बना रही है ग्लोबल पीयर्स के लिए भी। चलिए अब आज की ट्रेडिंग की बात करते हैं। आपसे जब दो दिन से बात हो रही है तो थोड़ा सा इंडेक्स पे ठीक है नरम गरम रहता है, लेकिन एक बात ये भी आपने कही थी कि अब क्योंकि एक मैक्रो फ्रंट पे एक डेटा पॉइंट था यूएस सीपीआई का, वो भी अब आ गया, क्या बाजार अब एक वन साइडेड डायरेक्शन ले सकता है? हफ्ते के भी एंड पर हम आ गए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को और आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होनी चाहिए? प्रियंका जी तुसी पूरे पंजाबी है, तुसी रहोगे नहीं जब तक न्यू हाई नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा प्रियंका, मेरे को भी आपकी तरह, मैनू भी चाहिए है कि न्यू हाई आए। बट प्रियंका जी थोड़ा मुंबई में भले ही आ गए हैं लेकिन दिल सब अभी भी दिल्ली दिनाली है। बिल्कुल बताइए। अच्छा तो प्रियंका देखो, आपको कल यूएस मार्केट देखो, अब इन्फ्लेशन 3.2 3.4, यू नो सीपीआई इज लो, वहां 300 का इंट्राडे करेक्शन आया बट इट गॉट क्लोज्ड इन द ग्रीन। अब ये बुल मार्केट है, इसमें क्वेश्चन आंसर मैक्रो कम आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा, कोई भी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में क्या था, आईसीआईसीआई और रिलायंस लैग कर रहे थे, अब आपके लिए रिलायंस न्यू हाई पे हो गया। मैं आपको कब से कहता था रिलायंस 3,000 रुपए सम ऑफ पार्ट जाएगा, हो गया, अब और क्या चाहिए आपको? अभी भी रिलायंस आपको न्यू हाई पे लेके जाएगा, 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई। अजय जी से पूछो, मैं 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए पे कह रहा था रिलायंस इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आपको जियो की वैल्यूएशन और जो उसके आरपूज है उसका रिटेल इज डूइंग वेल, ए उसका जो एनर्जी आर्म है एसडब्ल्यू सोलर हिट अ न्यू हाई यस्टरडे। अजय जी 300 रुपए से इसको मैं चेस कर रहा हूं और बोल रहा हूँ 750 तक मत बेचना। दूसरी बात प्रियंका जी, मार्केट्स आर जस्ट इन अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन विच इज हेल्दी, और इंट्राडे वॉलिटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ यू नो व्हाटएवर, कभी ऑप्शंस होती हैं कभी, लेकिन मुझे लगता है आज फ्राइडे है, आज शायद हम 21,700 के नहीं 100% 21,700 के ऊपर क्लोज करेंगे एंड दैट सेट्स द डोर फॉर न्यू हाईज नेक्स्ट वीक। रिलायंस इज मूविंग, आईटी रिजल्ट्स वर सुपर्ब, इंफोसिस में जो मंदी लोगों को करनी थी वो नहीं होगी क्योंकि गाइडेंस पॉजिटिव है और आगे भी अगर 20-21% के मार्जिन ग्रोथ होंगे सो आई थिंक आईटी विल बी अ स्टेबल बेल वेदर। मुझे यहाँ डार्क हाउस पे विप्रो अभी भी बहुत पसंद है, बहुत पेसिमिज्म है, उसके रिजल्ट्स आगे जाते हुए बहुत तगड़े आएंगे। अब आपके लिए तीन पिक्स हैं, सबसे पहले है एनएमडीसी। एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन मिनरल्स और आपको पता है आयरन ओर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्टील एंड अदर सेक्टर। एनएमडीसी बहुत अच्छा चला है जहां से हमने उसको पकड़ा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एनएमडीसी के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो ये 209-10 में आप लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 230 का, डोंट मिस दिस चांस फॉर एनएमडीसी एंड नालको। दूसरा मैं कहूंगा फिर स्टेट बैंक, एक हफ्ता हो गया स्टेट बैंक ने कोई चाल नहीं पकड़ी, जबकि 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 7.5 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन है और 1.9 times प्राइस टू बुक, अभी ये मल्टीपल्स तो आपको चलेंगे, लेकिन स्टेट बैंक मेरे हिसाब से इज अ मस्ट इन द पोर्टफोलियो। ये बाकी उसके जो छोटे बैंक है SBI, PNB, कैन बैंक, सम ऑफ पार्ट्स भी मिला लो तो स्टेट बैंक की बैलेंस शीट उस जैसे 10 हो तब भी नहीं बनती। स्टेट बैंक 750 का टारगेट है बजट तक, लेकिन अभी आप 660 के लिए खेलिए, 606 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव आया HDFC AMC अर्निंग्स के लिए, उसके लिए मैं आपको एक शेयर दे रहा हूँ, ABSL AMC, आदित्य बिरला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट AMC इन द कंट्री। ये शेयर 470 रुपए पे अवेलेबल है, 700 रुपए से कम मत बेचना, इस साल में 700 रुपए आएगा। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है और हम ABSL AMC को एक साल से ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी ये सारी आज की ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए, इंडेक्स पर व्यू और अपनी कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्गली रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात सोमवार को, ठीक है? चलिए, तो ये टॉप ट्रेडिंग आइडियाज संजीव वसीम के रडार पर भी